आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 5 साल हो गए, मेरे को याद है 5 साल पहले इसी मैदान में आया था मैं आप लोगों के बीच में। 5 साल बहुत मेहनत की हमने, पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया और आज मेरे को खुशी है कि दिल्ली के चुनाव में इस बार काम की बात हो रही है। जिससे भी पूछ लो वो कहते जी काम पे वोट पड़ेगा, काम पे वोट पड़ेगा, काम पे वोट पड़ेगा। कह रहे कि नहीं कह रहे? सारे जने कह रहे जी काम पे वोट पड़ेगा। 5 साल के अंदर खूब काम करने की कोशिश की है। जैसे एक परिवार में बड़ा बेटा होता है, बड़े बेटे की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे के कंधों पे होती है। घर में बिजली का बिल आया, बड़ा बेटा भरेगा। पानी का बिल आया, बड़ा बेटा भरेगा। मां बाप को तीर्थ यात्रा करा के ले लानी है, बड़ा बेटा कराएगा। घर में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी सबकी पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे की। घर में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज की जिम्मेदारी बड़े बेटे की। आपके हरेक के परिवार का बड़ा बेटा बनने की कोशिश की है मैंने पिछले 5 साल के अंदर। आपके घर के बच्चों की पढ़ाई, आपके घर के लोगों का इलाज, आपके घर का बिजली का बिल, आपके घर का पानी का बिल, आपके परिवार में जितने अपने बुजुर्ग हैं उनकी तीर्थ यात्रा, इन सब का ख्याल रखने की कोशिश की है। दिल्ली के हर परिवार का बड़ा बेटा बनके उसकी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है 5 साल। मैं अपनी तारीफ करूं अच्छा नहीं लगता, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए नहीं हुए जरा हाथ खड़े करके बता देना, दिल्ली के अस्पताल अच्छे हुए नहीं हुए जरा हाथ खड़े करके बता देना, बिजली का बिल जीरो किस किस का आया पिछले महीने जरा हाथ खड़े करके बता देना, पानी का बिल जीरो किस किस का आया पिछले महीने जरा हाथ खड़े करके बता देना, महिलाओं का बस यात्रा फ्री कर दी, पानी का बिल फ्री कर दिया, बिजली का बिल फ्री कर दिया। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि वो ये आरोप नहीं लगा रहे कि केजरीवाल सारा लूट के भाग गया, वो ये आरोप नहीं लगा रहे कि केजरीवाल ने ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने लूट लिया, फलाना लूट के, वो कह रहे हैं केजरीवाल ने सब कुछ जनता पे लुटा दिया। क्यों लुटाया कह रहे हैं, नहीं लुटाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महिलाओं का बस सफर फ्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये लोग कह रहे हैं इनको वोट दिया तो ये 200 फ्री यूनिट बिजली बंद कर देंगे, ये लोग कह रहे हैं इनको वोट दिया तो आपका महिलाओं का फ्री सफर बंद कर देंगे, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री क्यों कर रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? मैं बताता हूं जी पैसा कहां से आ रहा है। महिलाओं का सफर फ्री करने के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करे, कितने करे? अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 190 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा है। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, मैंने उस पैसे से अपनी मां बहनों के लिए सफर फ्री कर दिया, तो बताओ क्या गलत करा?
मैं अभी भी अपनी उसी गाड़ी में चलता हूं, अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, फिजूल खर्ची रोकी है, भ्रष्टाचार रोका है, जो पैसे की लूट होती थी वो रोकी है, उस पैसे से मैंने अपनी जनता का भला करने की कोशिश की है 5 साल के अंदर। तो दोस्तों 5 साल में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, गली, सीसीटीवी कैमरे, डेंगू भी ठीक कर दिया था। डेंगू इस बार नहीं हुआ, इस बार डेंगू नहीं हुआ भाई साहब, एक भी डेंगू से मौत नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है और आप लोगों की मेहरबानी है, ये दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या ने मिलकर डेंगू पे कंट्रोल कराया। तो ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेके घर घर जा रहा है। ये मिला आप लोगों को, घर में पहुंचा आपके? जिन जिन को नहीं मिला भी दे देंगे, ये रिपोर्ट कार्ड घर घर लेके पहुंचे हैं। और अब अगले 5 साल क्या क्या करना है उसका ये गारंटी कार्ड है, ये भी सबके घर पहुंचा रहे हैं हम लोग गारंटी कार्ड। इसमें 10 गारंटी दी है, 1 गारंटी दी है 24 घंटे बिजली जारी रहेगी, 200 यूनिट बिजली जब तक केजरीवाल है आपकी 200 यूनिट बिजली जारी रहेगी फ्री। ये बीजेपी वाले गलतफहमी फैला रहे हैं, कह रहे 31 मार्च तक है उसके बाद बिजली फ्री बंद हो जाएगी। मैं आज आपको यहां पे कह के जा रहा हूं, जब तक केजरीवाल आपकी 200 यूनिट बिजली फ्री जारी रहेगी अगले 5 साल भी जारी रहेगी। दूसरा, अब अपने को पानी ठीक करना है। जब हमारी सरकार बनी थी पूरी दिल्ली में टैंकरों से पानी जाता था, अब पूरी दिल्ली में पाइपलाइन बिछा दी। अब अगले 5 साल, अभी कई इलाकों में कहीं 1 घंटा पानी जाता है, कहीं 2 घंटे पानी जाता है, कहीं 2 दिन में 1 बार पानी जाता है। इसकी मैंने पूरी प्लानिंग करी है, पानी का इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल में दिल्ली के हर घर में नल से 24 घंटे पानी और साफ पानी पहुंचाएंगे। जो 20,000 लीटर पानी है, जो मुफ्त पानी आपको मिलता है वो जारी रहेगा। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे की, पैदा होने से लेके ग्रेजुएशन तक की अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। हमने ऑलरेडी सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, कई सारे कॉलेज खोल दिए, और भी जितने स्कूल बनाने की जरूरत है स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाने की जरूरत है कॉलेज बनाएंगे, लेकिन हर बच्चे की अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। हर परिवार के अंदर हर व्यक्ति को अच्छे इलाज की जिम्मेदारी हमारी होगी। दिल्ली के अंदर आज मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, पॉली क्लिनिक खुल रहे हैं, खूब सारे अस्पताल बन रहे हैं, और भी जितने बनाने की जरूरत है बनाएंगे, इतने मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, अस्पताल बनाएंगे ताकि अपने दिल्ली के रहने वाले हर परिवार को, हर परिवार के सदस्य को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, मुफ्त इलाज मिल सके, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसको पूरा इलाज मुफ्त मिल सके। दिल्ली के अंदर अपनी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी करेंगे, हमारी बसें ऑलरेडी आनी चालू हो गई हैं, 1,000 के करीब नई बसें आ गई हैं, 4,000 और नई बसें लेके आएंगे, टोटल 11,000 बसें दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी, 500 किलोमीटर लंबी मेट्रो की लाइन बनाएंगे। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं ये सारी प्लानिंग करके आया हूं और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं। महिलाओं का फ्री बस सफर जो है वो जारी रहेगा अगले 5 साल, और स्टूडेंट्स को भी का भी बस सफर फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली को पॉल्यूशन से मुक्ति दिलवाएंगे, पॉल्यूशन काफी कम करना है। 5 साल में 25% पॉल्यूशन कम किया है, लेकिन 25% से काम नहीं चलता, अभी भी काफी पॉल्यूशन है, इसको कम करेंगे। 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे और यमुना को साफ करना, यमुना गंदी नदी बहुत गंदी है,
इसमें चार बड़े नाले बहते हैं, उन चारों नालों की सफाई का हमने पूरा इंतजाम किया है। पांच साल के अंदर मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को, जैसे गंगा जी नहाने जाते हो ऐसे यमुना जी में डुबकी लगवा दूंगा मैं आप सबको। फिर दिल्ली बहुत गंदी हो गई है, चारों तरफ कूड़े के ढेर, चारों तरफ मलबा। दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली को चमकाना है। तो पिछले पांच साल तो स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी ठीक करने में लग गए, अब दिल्ली को चमकाएंगे अगले पांच साल के में। चमकाना है नहीं चमकाना है, इसमें सबका साथ जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, अपने को भी बदलना पड़ेगा सबको, सही है कि नहीं है। जैसे आप लोगों ने डेंगू ठीक करा था ऐसे अब दिल्ली को साफ करेंगे, सारे जने मिलके करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, अगले तीन चार महीने के अंदर दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हैं, बसों के अंदर मार्शल की नियुक्ति हो गई है। जैसे बसों में मार्शल की नियुक्ति करी है ऐसे ही हर मोहल्ले के अंदर मार्शल की नियुक्ति करेंगे आपकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं इनमें सात चीजों की गारंटी दे रहा हूं मैं, नाली, गली, सड़क, पानी, सीवर, सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, इनमें से 1281 कॉलोनियों में हमने ये सारे काम करा दिए हैं। जो बची हुई कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें भी ये सारे काम कराएंगे। और आखिरी गारंटी, 10 गारंटी है केजरीवाल की जो मैंने अभी बताई है, आखिरी गारंटी है जो अपने झुग्गी वाले हैं वो मजबूरी में झुग्गी में रहते हैं, कोई झुग्गी में नहीं रहना चाहता, उनको हमने पक्के मकान बना के देने चालू कर दिए। 5-10 हजार लोगों को हम ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, बाकी जितने लोग हैं उनको पक्के मकान दे दे के उनको इज्जत की जिंदगी देंगे। आज तक मैंने जो कहा है सब करा है, मैं जो कुछ भी कहता हूं करता हूं, झूठ नहीं बोलता, और पूरी प्लानिंग करके आता हूं तभी बोलता हूं। तो ये जितनी 10 गारंटी है आपके साथ मिलके, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, केजरीवाल अकेला कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आज जो कुछ भी हूं आप लोगों की वजह से हूं। आपके साथ मिलके मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पे भरोसा है। आप लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए हैं पिछले 5 साल में, अब ये चमत्कार भी अगले 5 साल में करके दिखाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये दे दू ना 10 गारंटी सबको, आपके भरोसे दे रहा हूं, पक्की बात, हाथ खड़े करके बता दो ये गारंटी दे दो। इधर वाले नहीं कर रहे यार कुछ भी थोड़ा सा, तो सारे जने मिलके करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि सारी पार्टियों को इस बार काम की चर्चा करनी पड़ रही है। भारत के 70 साल के इतिहास में 70 साल में कितने राज्यों में चुनाव हुए, केंद्र में चुनाव हुए, आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई पार्टी आके कहे जी हमने स्कूल बनवा दिया इसलिए वे वोट दे दो। कभी किसी पार्टी ने स्कूल पे वोट मांगे हो तो बता दो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई पार्टी आके कहे कि जी हमने अस्पताल बनवा दिए इसलिए वोट दे दो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई पार्टी आके कहे कि जी हमने आपकी बिजली सस्ती कर दी इसलिए वोट दे दो। क्या आके कहते हैं मैं जाट हूं, जाट जाट सारे मेरे को दो, मैं बनिया हूं, बनिया बनिया सारे मेरे को दो, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान मुसलमान सारे दो, मैं हिंदू हूं, हिंदू हिंदू सारे मुझे दो, ऐसे ही कहते हैं ना। मुझे बहुत खुशी है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जब जाती है जाट नॉन जाट की बात करके वोट मांगती है, महाराष्ट्र में जब जाती है मराठा नॉन मराठा के नाम पे वोट मांगती है, वो गुजरात जब जाती है पटेल नॉन पटेल हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगती है। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे, दिल्ली आके उन्होंने जब अपना भाषण दिया मुझे उनका भाषण सुन के बहुत अच्छा लगा,
उन्होंने अपने भाषण में स्कूल की बात करी, उन्होंने अपने भाषण में कच्ची कॉलोनियों की बात करी, उन्होंने अपने भाषण में अस्पताल की बात करी। आप लोगों ने राजनीति तो बदल दी कम से कम। दिल्ली के अंदर काम की बात चलेगी अब, गलत तो नहीं कह रहा जी, दिल्ली के अंदर अब काम की बात चलेगी। दिल्ली के अंदर अब ये जात पात धर्म के नाम पे वोट नहीं चलेंगे। जो स्कूल बनवाएगा वोट उसी को मिलेगा, जो अस्पताल बनवाएगा वोट उसी को मिलेगा, जो बिजली देगा वोट उसी को मिलेगा, जो पानी देगा वोट उसी को मिलेगा, जो सड़क बनवाएगा, जो नाली बनवाएगा, जो गली बनवाएगा, जो सीसीटीवी कैमरा लगवाएगा वोट उसी को मिलेगा। अब मेरी यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, इतने सारे लोग आप समय निकाल के आए हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। बहुत सारे यहाँ पे बीजेपी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, जब मैंने 5 साल काम किया, 5 साल पहले चुनाव हुए थे, कुछ लोगों ने हमको वोट दिया, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने एक कसम खाई थी, मैंने कसम खाई थी मैं सबके लिए काम करूंगा, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, मैं भेदभाव नहीं करूंगा। 5 साल में मैंने भेदभाव नहीं करा, मैंने स्कूल बनवाए, उसमें बीजेपी के भी बच्चे पढ़ते हैं, कांग्रेस के बच्चे भी पढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के भी बच्चे पढ़ते हैं, सबके बच्चों का भविष्य बनाया मैंने, सबके बच्चों का भला करा मैंने। मेरे पास एक आरएसएस का बंदा आया, बोला भाई साहब मैं वैसे तो आरएसएस का हूं लेकिन वोट आपको दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता जी मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में बहुत बुरा हाल था, मेरे को लगता था मेरे बेटे का भविष्य बेकार है, जब से आपकी सरकार आई है अब मेरे को लगता है मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं। बोला भाई साहब अब मेरे को लगता है मेरा बेटा डॉक्टर बन सकता है। कहता आपने मेरे बच्चे का भविष्य बना दिया, अगर अभी भी मैं आपको वोट नहीं दूंगा तो अपने बच्चे के साथ गद्दारी करूंगा। तो हमने भेदभाव नहीं करा, अस्पताल बनवाए उसमें सबका इलाज फ्री होता है, बीजेपी वालों का भी होता है, कांग्रेस वालों का भी होता है, आम आदमी पार्टी वालों का भी, सबका इलाज फ्री होता है। सड़कें बनवाई सबके लिए बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं सारी कॉलोनियों में लग रहे हैं, बीजेपी वालों भी कांग्रेस वाले भी। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो जो बीजेपी वाले हैं, हम ये नहीं कह रहे पार्टी छोड़ के आओ अपनी पार्टी में ही रहो, जो जो कांग्रेस वाले हैं अपनी पार्टी में ही रहो, छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार सारे जने, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाला हो, वोट सारे जने झाड़ू पे दे देना। क्यों आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए, भाई साहब बहुत मेहनत करके स्कूल अस्पताल अच्छे करे हैं, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत करके स्कूल अस्पताल अच्छे करे हैं, अब अगर आप वोट उनको दे दोगे ये फिर खराब हो जाएंगे, ये मत कर देना। अभी ये गाड़ी चलने लगी है, धक्का लगने लगा है, जंग लगा पड़ा था गाड़ी में, तेल डाल के इसको गाड़ी को जंग लगा हटा के इसको गाड़ी को चलाया है, इसको गाड़ी को भी चलने देना है। आप सब लोगों से, चाहे जिस भी पार्टी का हो, इस बार अपनी पार्टी भूल जाना, अगली बार अपनी पार्टी की अगली बार सोच लेना, लेकिन इस बार सारे जने मिलके स्कूलों की खातिर, अस्पतालों की खातिर, अपनी दिल्ली की खातिर, अपने बच्चों के भविष्य की खातिर, अपने परिवार की खातिर, सारे जने मिलके झाड़ू को वोट दे देना। भारत माता की जय।